और ताईजी ताऊजी को वर्षगांठ की बहुत बहुत शुभकामनाएं, सादर चरण स्पर्श। मैं क्या बोलूं, सबने इतना कुछ बोल दिया लेकिन मुझे बहुत अपने पल याद आ रहे हैं। मैं चाहती थी कि यहाँ पे सैड मोमेंट आए, पर मेरे को जो पल याद आ रहा है उसको मैं शेयर करना चाहूंगी कि जब कहते हैं माँ एक बच्चे को जन्म देती है और सबको सिखाती है, वो मुझे अपनी माँ ने बिल्कुल बखूबी सिखाया है। लेकिन जब मैं शादी होके आई थी तो मुझे अपनी सासू माँ नहीं मिली, लेकिन सासू माँ के रूप में एक माँ मिली, जिन्होंने हर कदम पर, हर बार, हर चीज पर मेरे सिर पे ऐसा हाथ रखा कि मुझे कभी किसी भी चीज की, सासू माँ तो ठीक है, मुझे माँ की कमी महसूस नहीं होने दी। उन्होंने इस घर में आके हर चीज में, जहाँ मैं जिस माहौल से आई थी वहाँ पे, वहाँ से यहाँ पे आके एडजस्ट करना मेरे लिए थोड़ा मुश्किल हो रहा था, पर उन्होंने ऐसा साथ दिया हर चीज में। मुझे तो पोहे भी बनाना नहीं आते थे लेकिन वो सुबह से मंदिर जाते जाते मेरा नाश्ता बनवा के और मुझे सिखा के जाती थी। और इस पॉइंट पे जैसे उनने माँ बन के दिया, ऐसी चाची मेशु महिंदा की मम्मी मणिकांता चाची, उनने टीचर बन के मुझे हर चीज सिखाई, एक एक चीज मुझे सामने रख के कि इसको ऐसे बनाया जाता है, इसको ऐसे किया जाता है। ताई जी कहती थी तुम्हें करने की जरूरत नहीं, सब मैं ही कर दूंगी, मैं ही आ जाऊंगी। और चाची कहती थी मेरे सामने रह के करो, तभी तुम सीख पाओगी। तो एक ने माँ बन के, एक ने टीचर बन के, और हर चीज में, जब मैं हॉस्पिटल में थी, जब हार्दिक हुआ, पूरे 9 महीने में शायद कोई ऐसा दिन नहीं था जब ताई जी घर आके पूछती नहीं होगी कि तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है। और हॉस्पिटल में मेरे लिए मतलब खुशी वाला पल है कि लोग मुझसे ये पूछते थे कि ये तुम्हारी ताई है ये कि तुम्हारी माँ है। सास तो कोई बोलता ही नहीं था, सब ये कहते थे ताई है कि माँ है ये बताओ पहले। इसलिए वो सारे पल मुझे आज बहुत ज्यादा अच्छे से याद आ रहे हैं। और ताई जी के लिए कोई शब्द ही नहीं है मेरे पास कहने के लिए, उनने हर चीज में, हर जगह, हर चीज के लिए सपोर्ट किया है। और चाची का भी मैं बोलूंगी कि चाची ने मुझे टीचर बन के हर चीज, उनके साथ शायद मैंने सबसे ज्यादा मोमेंट जिए हुए हैं, उन्होंने मुझे हर चीज टीचर बन के सिखाई है। और ताई जी ने माँ बन के, आज भी कोई भी प्रॉब्लम होती है, शायद हम सिर्फ पापा जी से बोल देते हैं कि ताई जी को बोल देना, तो कभी उन्हें अलग से भी नहीं बुलाना पड़ता, वो खुद ही घर आके बोलती तुम सब छोड़ो मैं ही कर लूंगी सारी चीज। इसलिए उस सभी चीजों के लिए बहुत बहुत सारा थैंक यू। ताऊ जी इतने बड़े हैं, मैं उनके बारे में क्या बोलूं, सबने सब कुछ बोल दिया। बस ताई जी का साथ ऐसे ही निभाते रहे और हम अगली बार 100 साल वाली एनिवर्सरी के लिए इकट्ठे हुए सब लोग। छोटे दिल ने बनाए कितने बहाने, दूजा कोई क्या पहचाने, जो तन लागे सो तन जाने, बीते गुजरे लम्हों की सारी बातें, दिल के सुर्ख दीवारों पे बस यादें ही रह जाती हैं, बाकी सब सपने होते हैं, अपने तो अपने होते हैं। थैंक यू।